हेलो दोस्तों, मेरी अम्मी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ प्रोटीन से भरपूर पनीर चिल्ला बनाना शेयर करते हैं। आप इसे अपने बच्चों के लिए खास करके बनाएं। तरह तरह की दाल, बादाम, चावल, पनीर के पौष्टिकता से भरपूर चिल्ला रेसिपी आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सुबह सुबह के नाश्ते के लिए हेल्दी टेस्टी नाश्ता। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चिल्ला बनाने के लिए हमने इस तरह से एक बड़ी कटोरी से चावल लिया है जो 150 ग्राम की मात्रा में होगा, और मूंग दाल लिया है बिना छिलके वाली, चना लिया है, साबुत मूंग लिया है, मसूर का दाल लिया है और चना दाल लिया है। आप और भी तरह के दाल ले सकते हैं। और बादाम हमने इस तरह से लिया है, इसे रात भर फूलने के लिए छोड़ दिया और सुबह इसे अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके पानी निकाल के और फिर इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। बहुत ही महीन और पतला पीसना है ताकि अच्छा चिल्ला तैयार हो। देखिए, बिल्कुल पतला सा पीसे हैं, मोटा दरदरा बिल्कुल नहीं है, इस तरह से एकदम फाइन पीसे हैं। और इस तरह से सारे पीस लेते हैं। अब आप नॉन स्टिक तवा पे हमने इसे बनाया है। अब इसमें नमक ऐड करते हैं और थोड़ा सा हींग ऐड करते हैं चिल्ला के लिए। और उसके बाद तवा को धीमी आंच पे चढ़ाते हैं इस तरह से तेल में डुबोकर, और प्याज को एक टुकड़े को इस तरह से लेते हैं और इसे चिकना कर लेते हैं ताकि चिल्ला अच्छा तैयार हो, बढ़िया बने, इसलिए इसे इस तरह से कर देते हैं। फिर इस तेल को पानी छिड़क के इस तरह से देख लेते हैं कितना गर्म है तावा। अब ये अच्छा गर्म है और उसके बाद अब इसे चिल्ले को बनाते हैं। इस तरह से आप डालिए, फैला लीजिए। आंच को धीमा ही रखना है ताकि ये अच्छी तरह से पके और अच्छा तैयार हो। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं ऊपर से। आप तेल को कम से कम या थोड़ा और ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से तेल को यूज कीजिए, थोड़ा ज़्यादा कम। थोड़ा सा फ्लेम को हाई करते हैं ताकि ये जल्दी पक जाए, वैसे ये धीमी आंच पे अच्छा पकता है। बहुत ही टेस्टी चिल्ला तैयार होता है, तरह तरह के दाल चावल के साथ, और बादाम भी इसमें मैंने डाला है, तो ये बिल्कुल पौष्टिकता से भरपूर रेसिपी है और नाश्ता के लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता और पौष्टिक भी है। बच्चों और बड़ों के लिए परफेक्ट नाश्ता है। चटनी के साथ इसे सर्व करें, बहुत इजी और कम समय में बन जाता है। स्वाद के साथ साथ इसमें पौष्टिकता भी काफ़ी रहता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें सुबह के नाश्ता के लिए। अब इसे उलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी पकाते हैं। गैस को आप मीडियम या लो पे ही रखिए, बीच में हाई कर दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से मैनेज करते हुए अच्छी तरह से पक जाए चिल्ला। अब इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सामान और भी यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चों को सॉस बहुत पसंद होता है तो आप इसके ऊपर सॉस भी ऐड कर सकते हैं चिल्ले के ऊपर, इस तरह से सॉस लगाइए, ये थोड़ा खट्टा मीठा भी हो जाएगा, इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। इस तरह से सॉस लगाते हैं। आप थोड़ा सा सांभर मसाला या गरम मसाला पाउडर भी आप छिड़क सकते हैं, तो मैंने वो भी किया है। अब इसके ऊपर पनीर ऐड कर देते हैं
और बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगते हैं ऐसे चीले, जो देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी टेस्टी। और सुबह सुबह इस तरह का नाश्ता तो बहुत ही बढ़िया होता है, पौष्टिकता से भरपूर और कम से कम तेल डालिए, काफ़ी हेल्दी नाश्ता तैयार हो जाएगा। अब देखिए, दाल तो प्रोटीन से भरे हुए होते हैं, पनीर भी प्रोटीन से भरे हुए हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है।